आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजधानी के शहीद चौक से निकली इस तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल सहित पार्टी के कई नेता विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन ओल्ड जेल परिसर में हुआ, जहां भाजपा नेताओं द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रगान गाया गया। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार की गई 100 फीट तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा। हाथों में तिरंगा लिए भारत माँ की जय का नारा लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग जब राजधानी की सड़कों पर निकले तो नजारा ही बदल गया। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में भाजपा द्वारा इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को आज यानी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत सरकार के घर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हम अपने महापुरुषों को इस अमृत महोत्सव के जरिए याद कर रहे हैं और 100 वर्ष में भारत कैसा होगा यह नई पीढ़ी संकल्प ले रही है। भाजपा की तिरंगा यात्रा का समापन बिरसा मुंडा संग्रहालय में हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्य भाजपा नेताओं के द्वारा तिरंगा फहराकर घर घर तिरंगा की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह सहित अन्य के द्वारा झारखंड के वीर सपूतों को नमन करते हुए संग्रहालय में बनाई गई प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव पर बधाई देते हुए कहा कि हम इस आजादी को न केवल औपचारिकता के आधार पर मनाएं बल्कि तरीके से मनाएं कि इसमें संकल्प हो, प्रतिबद्धता हो और भारत के भविष्य निर्माण करने का अपने और देशवासियों के अंदर जज्बा हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।